फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 9। जैसा कि आप लोग जानते हो, डेली बेसिस पर आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाते हो जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को बता दें साथियों, इसमें रीजनिंग और GK GS का ओनली क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। आप सभी को इसकी खासियत की बात बता दें साथियों, इसकी यही खासियत है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आप लोग एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में देखोगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हल कीजिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। साथियों, हम आप सभी को बता दें, रीजनिंग का क्वेश्चन तो हर कोई हल कर लेता है, लेकिन एक सही टाइम में यानी 5 सेकंड में हल कर पाना हर कोई के बस के बात में नहीं होता। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए, यानी हर क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में हल कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी स्पीड बन पाए। साथियों, स्पीड बनाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। तो फ्रेंड्स चलिए, पहला क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देखिए किस प्रकार है, 1, 2 और ये 3, और साथियों ये पूरा वाला 1, ये 4, यानी 4 इसमें ट्राइंगल है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। आपको 5 सेकंड मिला है साथियों, आप लोग उम्मीद करते हैं 5 सेकंड में इसका आंसर दे लोगे। बिकॉज साथियों, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको आसानी से दिख गया होगा किस प्रकार लिखा गया है। बीच वाली संख्या से जो कि स्टार्ट कर दिया गया है, यानी बीच वाली संख्या 2 है और वहीं से स्टार्ट किया गया है, 2 फिर 3 और फिर 1। यानी साथियों, उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है बीच वाली संख्या से 5, फिर 2 और फिर 3। और साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा, ऐसी सीक्वेंस नहीं चल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ 7 जो कि बीच वाली संख्या से नहीं स्टार्ट किया गया है, डायरेक्ट 8 लिखा गया है। तो साथियों, आपका यही विषम है, डी ऑप्शन। जबकि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें भी बीच वाली संख्या से स्टार्टिंग है, 6 फिर 1 फिर 4। तो साथियों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत हैं आप सभी को बताना है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आएगा। बिकॉज ऑफ साथियों, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा आप लोगों को करा दिया है, आप लोग इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। आप सभी को बता दें साथियों, इसमें कितने आयत हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है, 17। आप लोग इजी तरीके से काउंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स इसे काउंट कर सकता है। बिकॉज ऑफ साथियों, काफ़ी दिनों से हम इस पर ऐसे क्वेश्चन को कराए हैं। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, हॉकी स्टिक तो क्रिकेट क्या। तो साथियों, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आया होगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस अच्छा लगे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आप सभी को बता दें साथियों, इस जो कि मॉक टेस्ट का टारगेट है 100 लाइक। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग इस टारगेट को अचीव करोगे। साथियों, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, CRAP को इस तरह लिखा गया है, तो इसे किस तरह लिखा जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों, इजी तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। सी में जब आप लोग +6 करोगे तो आपका आई आएगा। उसी तरह साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आर में जब आप लोग -5 करोगे तो आपका यम आएगा, यानी +6 और -5 का सीक्वेंस चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों का किस प्रकार क्या बनेगा, तो आप लोग चलिए देखिए साथियों। डी में जब आप लोग +6 करोगे तो आपका जे आएगा, आई में -5 करोगे तो आपका डी आएगा। तो जे डी से कौन सा सीक्वेंस स्टार्ट है, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जे डी से स्टार्ट है, JDTV। साथियों, बी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। साथियों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी आपका 13, 91 तो 7 क्या।
साथियों आपका हर एक स्टूडेंट्स का उम्मीद करते हैं राइट आंसर आएगा। साथियों 13 * 97 होता है, यानी 13 में 7 से आप गुणा करोगे तो 91 आएगा। उसी प्रकार 7 में जब 7 से आप लोग गुणा करोगे तो आपका जो कि 7 * 49 आएगा। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। साथियों विषम संख्या को चुनना है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आएगा। साथियों इसमें कुछ भी नहीं करना, आप लोग देख पा रहे वृत्त वर्ग तथा आयत द्विविमी आकृत है, यानी 2 डायमेंशनल आकृत है, जबकि घन एक त्रिविमी आकृत है, यानी 3 डायमेंशनल आकृत है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, ताकि मोटिवेशन लगातार बना रहे। साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर क्या है साथियों, दिए गए प्रश्नों में आप लोग चुनना है। तो साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे आप लोग यहां से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को डी ऑप्शन से जो कि आप लोग हमेशा फाइंड कीजिए करिए। आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों बी में जब आप लोग 7 + 7 जोड़ोगे दोस्तों तो तब आपका आई आएगा, और आई में जब आप लोग +7 जोड़ोगे तब पी आएगा, और पी में जब +7 जोड़ोगे तब आपका डब्लू आएगा, यानी +7 + 7 का सिक्वेंस चल रहा है। आप लोग चलिए सी ऑप्शन में देखिए किस प्रकार चल रहा है। साथियों आप लोग इसमें देख पा रहे हो ई में जब आपका +7 जोड़ोगे तब यल आएगा, और साथियों यल में जब +7 जोड़ोगे तब यस आएगा, लेकिन यस में +4 जब जोड़ोगे तब आएगा जो कि डब्लू, यानी +7 का सिक्वेंस नहीं, इसमें लास्ट में जो कि +4 का सिक्वेंस चल रहा है। तो यही जो कि विषम है, यानी सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं वह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म क्या है आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आप लोग देख पा रहे हो साथियों आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हो। साथियों 42 * 84 होगा, और साथियों 24 * 48 होगा, और 17 * 34 होगा, लेकिन साथियों यहाँ पर नहीं दिया गया है 13 * 26, यहाँ पर 25 दिया गया है, तो यही आपका विषम है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आया होगा। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव करते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो साथियों चलिए किस फिगर में प्रश्न आकृति निहित है आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है साथियों, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। साथियों आप लोग जानते होंगे आपके परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसीलिए डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। अच्छा लगे साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों यहाँ फिगर देखिएगा, इतना फिगर देखिएगा तो यही जो कि फिगर है। तो उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है आप लोग देख पा रहे होंगे इस फिगर में जो कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जब आप लोग फिल करोगे तो फिगर पूरा होगा आपको बताना है। राइट आंसर्स क्या है साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे बी ऑप्शंस। आप एग्जैक्ट जब इस फिगर को यहां पर जो कि ऐड करोगे तब आपका जो कि फिगर पूरा होगा, यानी बी ऑप्शंस राइट आंसर्स है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी आपको राइट आंसर बताना है। साथियों इजी तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। आप लोग दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हो साथियों। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का यह राइट आंसर आएगा। साथियों अभी आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चंस कर रहे हो, आगे आने वाला सभी क्वेश्चंस आप लोग अभी जीके जीएस को भी देखोगे। साथियों एग्जैक्ट जीके जीएस का क्वेश्चंस आप लोग परीक्षा पेपर में भी देखोगे, बिकॉज ऑफ साथियों हर एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल पाए। तो साथियों इस क्वेश्चंस को देख पा रहे होगे, सीधे आप लोग इसका उल्टा करोगे मतलब पलट दोगे फिगर को, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का
आपका क्लियर हुआ होगा या क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, यानी साथियों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आएगा। साथियों इसमें किस प्रकार बताया गया है आप लोग जरा देखिए, जब 3 और जो कि 2 को गुणा करोगे आपस में तो साथियों आएगा 6, और यहाँ पर आपस में ये दोनों 7 और 4 को गुणा करोगे तो 28, यानी साथियों 28 और 6 को आपस में जो कि ऐड करना है 28 और 6, और साथियों तब आपका आ जाएगा 34, बीच वाला संख्या आ जाएगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। वहीं पर आप लोग इसको भी इसी तरह ऐड कीजिए साथियों, यहाँ पर देखिए 42 यहाँ पर लिख देंगे, और साथियों यहाँ पर 3 5 15 और यहाँ पर आप लोग 15 लिख दोगे। यहाँ पर इसको जब ऐड करोगे आपका जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा 57, यानी 57। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ गया होगा। साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा। इसमें कुछ भी नहीं है साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ए कहीं पर नहीं आया है, ए कहीं पर आया है नहीं आया है, तो इसमें तो ए बताया गया है देख पहले ऑप्शन में सेंट, तो साथियों यही आपका जो कि विषम है, इसमें यही आपका जो कि नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा साथियों। इसमें कुछ भी नहीं करना साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे मस्तिष्क फेफड़े शरीर, साथियों सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ साथियों शरीर में मस्तिष्क और फेफड़ा दोनों पाया जाता है और यही आपको जो कि निरूपित किया गया है सही। साथियों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आ गया साथियों जीके और जीएस का क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक बने रहोगे साथियों ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। तो क्वेश्चंस है, लीपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपको राइट आंसर बताना है। साथियों बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है उत्तराखंड। आप सभी को बता दें साथियों लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह दर्रा भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा नमकीन पानी की झील है, आपका राइट आंसर क्या है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा क्योंकि यह बहुत ही पॉपुलर जो कि क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का राइट आंसर साथियों बी ऑप्शन है सांभर झील। आप सभी को बता दें साथियों सांभर झील राजस्थान के जयपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह नमकीन यानी खारे पानी का झील है। इस झील से नमक भी उत्पादन किया जाता है, यानी नमक भी बनाया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। साथियों आप सभी को राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। साथियों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है पंपोर। साथियों आप सभी को बता दें जम्मू कश्मीर का पंपोर क्षेत्र केसर उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पंपोर को कश्मीर का केसर नगर भी कहा जाता है। साथियों यह विश्व के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा प्राप्त करता है, तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है आपको बताना है। निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन पंजाब। साथियों निम्न में से पंजाब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है, आपको बताना है। साथियों लिग्नेनाइट का जो कि भूरा हीरा दूसरा नाम है। आप सभी को बता दें लिग्नेनाइट कोयले का
ही दूसरा नाम है और इसे भूरा हीरा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस अच्छा लगे साथियों वीडियो को बेशक लाइक करना। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिमी घाट। आप सभी का राइट आंसर उम्मीद करते हैं आया होगा। आप सभी को बता दें साथियों भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा होती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से साथियों क्या हो जाती है? यानी बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से हैं, किसकी वजह से हैं? आपका राइट आंसर डी ऑप्शन पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से बारिश की बूंदें गोलाकार हो जाती है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? आपका राइट आंसर साथियों हो गया होगा सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। वजन भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। किडनी स्टोन यानी गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो साथियों हर एक स्टूडेंट्स का उम्मीद करते हैं राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। साथियों गुर्दा की पथरी जो कि कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण बनता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सी ऑप्शंस उसका राइट आंसर था। एस्टिगमेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग साथियों। आप सभी को बता दें साथियों एस्टिगमेटिज्म जो कि आँख की वह स्थिति है जब वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, यानी आँख का यह एक प्रकार का रोग है। इसके उपचार के लिए साथियों सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आँख का रोग है एस्टिगमेटिज्म। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? साथियों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस आर्गन गैस है, यानी सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे नरम धातु है? तो साथियों सोना सबसे नरम धातु है, आप लोग जानते होंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। साथियों हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी का उम्मीद करते हैं राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, स्ट्रेप्टोस्फीयर। तो साथियों आज का जो कि कंप्लीट हुआ सेशंस स्ट्रेप्टोस्फीयर इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर था। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आया होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इसी तरह सेशंस प्रोवाइड हो सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो